तो दोस्तों लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी व्हाट्सएप पर खुद को अनबैन कैसे करें या व्हाट्सएप पर अगर अकाउंट बैन हो गया है तो उसको अनबैन कैसे करें, तो ऐसे में दोस्तों वहां पर कई लोगों को उससे राहत मिली यानी उन लोगों का अनबैन हो गया। आप जाकर के चाहें तो कमेंट दे सकते हैं और वहां पर कई लोगों को दोस्तों उनका अकाउंट जो है उससे बैन नहीं हटा। तो ऐसे में दोस्तों आज मैं जिस तरीके को आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो प्रूफ जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके को अप्लाई करने के बाद मैंने 2 से 3 लोगों का व्हाट्सएप अनबैन कराया। मैंने सोचा सबके साथ शेयर कर दूँ क्योंकि ये एक जो नया तरीका निकल के आया है ये आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है और शायद इससे आपका अकाउंट जो है अनबैन हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है जहाँ पर लिखा है थैंक्स फॉर योर मैसेज। ये दोस्तों वो वाला मैसेज है जो व्हाट्सएप की तरफ से रिप्लाई आया था जब हमने अपनी टीम के साथ मिल करके कुछ नए तरीके अप्लाई करके व्हाट्सएप को अनबैन कराने की कोशिश की। ठीक है, आवर सिस्टम फ्लैग्ड योर अकाउंट एक्टिविटी एज ए वायलेशन ऑफ आवर टर्म्स एंड सर्विस एंड बैंड योर मोबाइल नंबर। वी वैल्यू एज ए यूजर एंड अपोलाइज फॉर एनी कन्फ्यूजन और इनकन्वीनियंस दिस मे हैव क्यूज़। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर यूजिंग ए न्यू फोन नंबर इट्स पॉसिबल दैट द प्रीवियस ऑनर ऑफ योर न्यू फोन नंबर वॉयलेटेड अवर टर्म्स एंड सर्विस एंड दिस क्यूजेस द अकाउंट बैन। डोंट वरी, यू वॉन्ट बी पेनलाइज फॉर द वायलेशन बाई ए प्रीवियस ऑनर ऑफ योर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे में ये तरीका आपके लिए कारगर हो सकता है शायद, चूँकि दोस्तों अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें ये बोला है कि वो मोबाइल नंबर अब दूसरे ऑनर के नाम पर रजिस्टर्ड कर दिए जाएंगे जो मोबाइल नंबर काफ़ी दिनों से बंद चल रहे हैं या जिन मोबाइल नंबर पर काफ़ी दिनों से रिचार्ज नहीं कराया गया है। आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप उसको आराम से देख लीजिएगा। पर दोस्तों तरीका हम लोगों ने यही लगाया जिससे कि कुछ लोगों को राहत मिली और उनका व्हाट्सएप जो है अनबैन कराया गया। अब वो तरीका क्या है दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको एक ही स्टेप बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है, शायद इससे दोस्तों आपको राहत मिल सकती है। अगर राहत नहीं मिलती है तो आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप इंस्टाग्राम पर अपना टेक्स्ट डाल दीजिए और हाँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चूँकि दोस्तों पता है आपको कि यार कई तरीकों से लोग अपना व्हाट्सएप बैन करा लेते हैं और हर एक का अनबैन कराना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ अगर ये मान लीजिए कि 100 में से दोस्तों 30-40 लोगों की ही हेल्प हो जाती है तो वही हमारे लिए बहुत ही सफिशियंट डेटा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है और जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करने हैं। हो सकता है आपका अकाउंट इससे अनबैन हो जाए, आप बहुत परेशानी का सामना झेल रहे हैं। मैंने देखा आप में से कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर अपने मैसेज भेजे कि प्लीज़ सर मेरा अकाउंट अनबैन करा दीजिए। ये मान लीजिए कि पिछली वीडियो डालने के बाद मुझे कम से कम 200 मैसेजेस आ चुके हैं या 200 से ज़्यादा। अब हर एक को मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकता या हर एक को समझा नहीं सकता, तो मैंने सोचा ऐसे में आपको वीडियो बना करके बता दूँ कि कैसे जो है दोस्तों इस नए तरीके से आप अपना अकाउंट अनबैन करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने जीमेल पर चले जाना है, यानी कि जीमेल की ऐप होती गूगल की उस पर आपको जाना है। चूंकि मैं आपसे यहाँ से 2 ईमेल करवाने के लिए बोलूँगा, ठीक है, कोई भी व्हाट्सएप से कांटेक्ट आपको एक नए तरीके से करना है वो क्या है, आपको यहाँ पर जीमेल पे चले जाना है। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद आपको 2 मेल करनी है ईजिली, जो टेक्स्ट लिखना है वो भी मैंने पहले से तैयार कर रखा है कैसे क्या करना है, आपको बस वीडियो लास्ट तक देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद सबसे नीचे आपको कंपोज करना है। कंपोज जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने ये इस टाइप का पेज खुल जाएगा जहां पर दोस्तों ईमेल लिखने का रास्ता होता है। ठीक है, अब यहां सबसे पहले अपनी ईमेल से आपको एक ग्रेवेंस अधिकारी को एक मेल डालनी है, तो वो मेल एड्रेस क्या है चलिए देख लीजिए। आपको ये सारा कुछ जो मेल की डिटेल है हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप के चैनल पर मिल जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके ये सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं यहां से क्या करता हूं, एक ग्रेवियंस ऑफिसर को यहाँ से एक मेल लिखता हूँ। ठीक है, तो सिंपल से पहली मेल मैंने यहाँ से कॉपी की और यहाँ पर जाके मैंने ये वाली ईमेल जो है अकाउंट में मतलब जिसको मैंने ये मेल भेजनी है वो यहाँ पर डाल दी। ठीक है, आपको ऊपर दिख रहा होगा लिखा होगा ग्रेवियंस ऑफिसर व्हाट्सएप एट द रेट सपोर्ट डॉट कॉम। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर लिखना है
रिगार्डिंग टू, तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिगार्डिंग टू अनबैन माई अकाउंट। उसके बाद आपको एक मेल कंपोज करनी है यहाँ से, तो मेल में लिखना क्या है वो आपको सारा का सारा डेटा हमारे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप के चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आपको उठा लेना है। ठीक है, अब चलिए मैं अपने जाता हूँ यहाँ से व्हाट्सएप पर, और यहाँ से अब वो मेल जो मैंने यहाँ से टाइप की है तो आपको यहाँ सिंपल से क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ आकर के मेल जो कंपोज करनी है वहाँ पे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा XX करके, यहाँ पर आपको फिल कर देना है अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आई हैव टेकन दिस मोबाइल नंबर, ठीक है, लास्ट वीक एंड व्हेन आई ट्राइड टू लॉग इन क्रिएट माय अकाउंट इज शोइंग बैन ऑन, ठीक है, व्हाट्सएप। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस मेल में जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और सिंपल से आपको यहाँ पर इसे सेंड कर देना है। इस सेंड के ऑप्शन को जहाँ पर मैंने देखा ना, यहाँ पे क्लिक करके आपको सिंपल से पहली मेल ये सेंड कर देनी है। अभी फ़िलहाल मैं ये मेल नहीं डालने वाला हूँ, चूँकि ये है ना, आप समझ रहे होगे कि मुझे इस तरीके, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसलिए पहली मेल आपको डालनी है ये वाली। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो मेल है वो आपको कौन सी करनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सेम चीज़ जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा ये आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, उसके बाद चले जाना है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ जो दूसरी ईमेल मैंने यहाँ से आपको बतानी है वो कौन सी है, दूसरी मेल आपको डालनी है sbm@thesupport.whatsapp.com पर, ये दूसरी मेल आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पर टू वाले एड्रेस में फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको अपनी मेल आईडी से डालना है और यहाँ भी आपको सब्जेक्ट में वही चीज़ लिख देनी है, रिगार्डिंग टू अनबैन माई व्हाट्सएप अकाउंट। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको वही सेम डेटा यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देना है टेलीग्राम या व्हाट्सएप से उठाकर, जो भी टेक्स्ट मैंने अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया है यहाँ पर आपको सिंपल से आकर के पेस्ट कर देना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर जो भी है दोनों बार में अपना नीचे नाम डाल देना है और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, और ये दूसरी मेल भी आपको भेज देनी है। दोस्तों ये तरीका है जो मैंने 2-3 लोगों के साथ यूज़ किया और दोस्तों उनका व्हाट्सएप अकाउंट इससे अनबैन हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, आप अपने मोबाइल से ये प्रोसेस कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो अकाउंट है डिफरेंट एक्टिविटी की वजह से जो भी बैन हुआ है वो शायद अनबैन कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसे में पहली चीज़ तो आपको सबसे पहली चीज़ तो पैनिक नहीं होना है, काफ़ी मैंने देखा कई लोग पैनिक हो गए इंस्टाग्राम वगैरह पे। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको इससे राहत नहीं मिलती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपना टेक्स्ट छोड़ सकते हैं ताकि मैं देखूँ, क्योंकि मैं सब लोगों को वहाँ रिप्लाई करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि किन लोगों का किस वजह से व्हाट्सएप अकाउंट बैन हुआ है, और फिर मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि कुछ नया तरीका निकाल के लाऊँ और आपको बताऊँ कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अनबैन करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इस तरीके से आपका अकाउंट अनबैन हो जाएगा। किसी और इंक्वायरी के लिए आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों आप हमें डिफरेंट यानी कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को क्या करना है, तो दोस्तों और हाँ दोस्तों चलते चलते आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि कोई भी चेंजमेंट आता है, कोई भी बदलाव होता है आगे फ्यूचर में और पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो आप YouTube पर चैनल ढूंढ नहीं पाएंगे और नाम भी आप याद नहीं रख पाएंगे। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन आती है या कोई मेरे पास जानकारी आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बाय चांस आपका इससे काम नहीं बनता है तो मैं डेफिनेटली दोस्तों आपके लिए कुछ नया सलूशन निकाल के आऊँगा, इसका थोड़ा सा आप भरोसा रखिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।